भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बहुजन मोर्चा क्रांति की तरफ से जो है आज 29 जनवरी को भारत बंद का आयोजन किया गया था। CAA NRC NPR को लेकर जो है भारत बंद का ऐलान किया गया था। आप देख सकते हैं आज मुंब्रा शहर जो है पूरी तरह से बंद है, लेकिन जो ऑटो रिक्शा चल रही थी वो ऑटो रिक्शा बंद कराने के लिए कुछ लोग जो है यहाँ पर सड़कों पर उतर गए हैं। देखिए किस तरह से ऑटो रिक्शा जो है बंद कराया जा रहा है, जो यहाँ पर पैसेंजर है उनको उतारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बहुजन मोर्चा क्रांति की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था उसके लिए जो है यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा चालक है वो कहीं ना कहीं जो है सुबह से चल रहे थे। फिलहाल अगर हम दुकानों की बात करें तो दुकान जो है पूरी तरह से बंद थे, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं ऑटो रिक्शा जो चालक हैं उनको जो है यहाँ पर ऑटो रिक्शा बंद करने के लिए कहा जा रहा है। और कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है, क्योंकि ऑटो रिक्शा जो चालू थे उन ऑटो रिक्शा को जो है यहाँ पर बंद कराने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से जो है यहाँ पर बंद कराया जाए। आप लोग आज भारत बंद है तो आप लोग ऐसे में जो रिक्शा चला रहे हैं लोग उन लोगों को बंद करा रहे हैं आप लोग? हम लोग सिर्फ रिक्शा यूनियन को नहीं सर, हम लोग तमाम लोगों को बंद करा रहे हैं, और सिवाय एम्बुलेंस को और जो चीज़ें गैस की है जो ज़रूरत है उनको छोड़ रहे हैं हम लोग, और सबको बंद करा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो उलमा आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कोई किसी से ज़बरदस्ती बंद नहीं करवा सकता। जो भारत बंद का ऐलान किया गया है ये अपने मर्जी से लोग बंद करेंगे, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं बंद करवा सकता। आप लोग ऑटो रिक्शा वालों को रोक रहे हैं, उसमें से पैसेंजर को नीचे उतार रहे हैं। हम लोग किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा रहे, आपने देखा होगा मेरे बहुत बहुत सारी वीडियो है, हम लोग ऐसे हाथ जोड़ के उनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डिटेंशन कैंप में आप जाओगे तो तकलीफ़ हमको भी होगी, तो एक नागरिक होने की हैसियत से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होने की वजह से जो बाबा साहब ने मुझे हक दिया है मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बंद करो, हम किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। मैं आपको लगे तो वीडियो दिखा देता हूँ। साहब सुना देख ले किस तरह से जो है यहाँ पर भारत बंद का जो है ऐलान किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो है मुंब्रा शहर की जो तमाम दुकानें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं वो दुकान जो है यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। अगर शहर की हम बात करें तो दुकानें बंद है। फिलहाल कुछ रिक्शा जो है यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन उस रिक्शे को भी बंद कराने की यहाँ कोशिश की गई और जो है पैसेंजर उसमें से उतारा गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब आप देख सकते हैं कि लोग तमाम जो है नारे लगा रहे, नारेबाजी कर रहे हैं, जो CAA NRC और NPR उसके खिलाफ जो है आज भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, और जो है तमाम यहाँ रिक्शे ऑटो रिक्शा जो चल रहे थे वो बंद किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरें कि लोग अब नारेबाजी पर उतर आए हैं। आप देख रहे थे जिस तरह से यहाँ पर जो है नारेबाजी हो रही थी, रिक्शे को रोका जा रहा था, अब यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी पहुँच गई है अब, और पुलिस का जो है यहाँ पर अब बंदोबस्त पहुँच गया है। जो लोग नारेबाजी यहाँ पर कर रहे थे उन लोगों को जो है अब यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, अब उन लोगों को हटाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है, और पुलिस बल यहाँ पर जो है पहुँच चुकी है लगातार। जिस तरह से आज सुबह से ही देखा जा रहा था कि मुंब्रा शहर जो है पूरी तरह से बंद था, लेकिन कुछ लोग जो है वो ऑटो रिक्शा यहाँ पर जो है बंद कराने की कोशिश की, जिसके बाद अब पुलिस जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और सभी लोगों को जो है यहाँ से रोड से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी जाम हो रहा था। इस वजह से आप देख सकते हैं पुलिस जो है अब यहाँ पर जो सतर्क हो चुकी है, जो भीड़ यहाँ रोड पे इकट्ठा थी उन लोगों को अब हटाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह से जो है रास्ता खुलवाया जाए, जो आने जाने वाले लोग हैं उन लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। लेकिन बंद का जो है समर्थन करते हुए यहाँ काफ़ी लोग नज़र आए, क्योंकि मुंब्रा शहर की जो खास करके दुकानें हैं वो बंद है, लेकिन जो आने जाने वाले लोग हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं और भी किसी काम से अगर उनको कहीं भी जाना हुआ तो उनको ऑटो रिक्शा की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे में ऑटो रिक्शा भी जो चालू थे उन्हें बंद कराने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर पुलिस जब पहुँची उसके बाद जो है जो यहाँ पर बंद कराने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को यहाँ से जो है हटाया गया। अब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए जो है पुलिस अब यहाँ पर मौजूद हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इसी तरह का जो है आज पूरा दिन मुंब्रा शहर बंद रहता है, क्या किसी तरह से जिस तरह से सुबह से अभी तक शांति रही इसी तरह से शाम तक की शांति बनी रहती है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।